हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री। तो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे बनता है, उनके इक्वेशंस को हम कैसे लिखते हैं। इस चैप्टर में पूरे डिटेल से हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस के हेल्प से हम एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और वो सब्सटेंस की जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो दोनों रिएक्टेंट जो हम लेते हैं उससे बहुत ही डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2+O गिव्स H2O, यानी कि H2 और O को जब हम मिक्स करेंगे तो H2O हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो H2O में H2 की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो हाइड्रोजन गैस हम सब जानते हैं कम्बस्टिबल है, यानी कि वो खुद ही जल जाता है ना। लेकिन जो O है वो क्या करता है, वो सपोर्टर है, यानी कि वो आग लगने में क्या करता है, फायर लगने में सपोर्ट करता है, खुद नहीं जलता है। लेकिन H2 क्या होता है, वो खुद जल जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन इन दोनों के मिक्स से जो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा यानी H2O बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी दोनों से बहुत डिफरेंट है, यानी कि बहुत अलग प्रॉपर्टी है। H2O की प्रॉपर्टी क्या है कि वो आग को सीधा बुझा देगा, है ना, ना ही जलने में सपोर्ट करेगा ना ही खुद जलेगा, वो सीधा आग को बुझा देगा। इसलिए हमारा रिएक्टेंट जो है और जो प्रोडक्ट है उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत डिफरेंट होती है। जैसे सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो कर्ड का भी जब फॉर्मेशन होता है तो मिल्क मिल्क का प्रॉपर्टी क्या है, बहुत डिफरेंट है। लेकिन रिएक्शंस के बाद जो कर्ड बनता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, और डिफरेंट हो जाती है ना, कर्ड की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है। अब वैसे ही और भी है एग्जाम्पल्स केमिकल रिएक्शंस के। जैसा पहला है डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, हमारे अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसका एग्जाम्पल क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन में भी क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। दूसरा है रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेने में भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस हम लोग के अंदर होता है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट, आयरन में रस्ट लगना भी किसके कारण होता है, केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट किसे कहते हैं, तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कि वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे है Zn+H2SO4। तो Zn और H2SO4 क्या है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। तो Zn और H2SO4 क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। लेकिन दोनों रिएक्टेंट के रिएक्शन के बाद जो बनेगा उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि Zn(SO4) और H2 क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, वैसे ही अब है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, जो हमारे फॉर्मेशन कैसा होगा, केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म होगा। जैसे सेम एग्जांपल Zn+H2SO4, तो Zn(SO4) और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो Zn(SO4) और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। अब है कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसा क्या होगा केमिकल रिएक्शन, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो कुछ चेंजेस हमें दिखेंगी। तो क्या चेंजेस हमें दिखेंगी जिससे हमें पता चल जाएगा, तो पहला है चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट ही चेंज हो जाएगा। जैसे पहले रिएक्शन के पहले हो सकता है कि लिक्विड हो, रिएक्शन के बाद गैसेस चेंज आ जाए, गैसेस स्टेट में आ जाए, या पहले सॉलिड हो फिर लिक्विड स्टेट में आ जाए। ठीक है, ऐसे ही चेंज इन कलर, या फिर हो सकता है कलर में चेंज आ जाए, रिएक्टेंट का कलर कुछ और हो, प्रोडक्ट का कलर कुछ और आ जाए। और चेंज इन टेम्परेचर, हो सकता है टेम्परेचर में भी चेंज हो, टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए। और फोर्थ है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस क्या हो, इवॉल्व हो। ठीक है, गैस निकले, गैस इवॉल्व हो, ये है फोर्थ स्टेट। ये चारों स्टेट में ज़रूरी नहीं है कि चारों स्टेट ही शो करे, कोई भी एक स्टेट शो हो सकता है जिससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि हम केमिकल रिएक्शंस जो अभी कर रहे थे उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे। तो रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला रिप्रेजेंट कैसा होता है,
वर्ड इक्वेशन, यानी कि हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे. जैसे एग्जाम्पल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. यानी कि हम लोगों ने सारा कुछ क्या लिखा है, वर्डिंग में लिखा है. लेकिन पहले क्या होता था, पहले जितने भी इक्वेशंस लिखे जाते थे वो ऐसे ही लिखे जाते थे वर्ड्स में. लेकिन अब क्या होता है, अब सारे इक्वेशंस को वर्ड की जगह पे कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है. तो अभी तक हम लोगों ने सारे इक्वेशन खुद भी जो किया है वो हम लोगों ने इस तरह से किया है. तो पहले इस तरीके से लिखने का क्या मतलब था, पहले वैसे वर्ड इक्वेशन क्यों लोग लिखते थे? तो वर्ड इक्वेशन इसलिए, वर्ड इक्वेशन को चेंज करके केमिकल इक्वेशन लाया गया, क्योंकि वर्ड इक्वेशंस लिखते लिखते क्या होते थे, बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते थे, है ना. हमारे रिएक्शंस इतना छोटे से में केमिकल इक्वेशन में इतने ही में अट गया, लेकिन वर्ड इक्वेशन में क्या होता था, वो बहुत बड़ा हो जाता था. अभी ये रिएक्शन तो बहुत छोटा है, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये तो यहाँ पे हो गया. लेकिन और भी केमिस्ट्री में रिएक्शंस है जो बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस हैं. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए तो पूरा पेज ही ख़त्म हो जाएगा. तो उसके लिए क्या आया, ये आया केमिकल इक्वेशंस, कि हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, सिंबल में लिखेंगे. जैसे जिंक का सिंबल, तो इतना जिंक लिखने से अच्छा हम लोग उसको क्या करेंगे, ZN करके लिखेंगे, छोटा करके लिखेंगे, है ना. तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम लोगों ने क्या किया, जिंक ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड सबका क्या ले लिया, फार्मूला या उसको सिंबल के फॉर्म में लिखने लगे, ठीक है. तो सेम यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, रिएक्टेंट है. तो जब रिएक्टेंट लिए, वो रिएक्शन किया तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएगा. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है. तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा. तो अब हम लोग समझ गए कि पहले क्यों वर्ड इक्वेशंस में लिखते थे, उसके बाद चेंज हो गए क्यों केमिकल इक्वेशंस आ गया, है ना. तो अब केमिकल इक्वेशन का हम लोग एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं. तो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. सबके सिंबल से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. सिंबल्स एंड द फार्मूला विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या कर सकते, क्या करते हैं उसके साथ, फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं. फिजिकल स्टेट मतलब कि वो किस स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस स्टेट में, किस स्टेट में है, ठीक है. तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है Fe का, तो Fe क्या है हमारा, सॉलिड स्टेट में है. और H2O क्या है हमारा, गैसियस स्टेट में है, है ना. तो हम लोगों ने पहले तो इसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया और उसके बगल में क्या लिखा, उसका स्टेट भी लिख दिया. वैसे ही प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट में भी क्या लिखा हम लोगों ने, स्टेट लिख दिया और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ बनाया. तो हमारा इक्वेशन जो कि इतना बड़ा हो जाता अगर वर्ड इक्वेशन होता, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, केमिकल इक्वेशन का यूज़ किया और उस इक्वेशन को शॉर्ट करके और अच्छे तरीके से हम लोग को समझ में आ जाए, एक बार हम लोग को ज़्यादा देखना ना पड़े. तो हम लोगों ने क्या किया, उसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. अब है कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शंस भी जो हैं वो दो टाइप के होते हैं. पहला टाइप क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है. तो बैलेंस्ड, और दूसरा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या है, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है. तो स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, एक ही होता है, नाम अलग अलग है. तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड. यानी कि जितना एटम हम लोग रिएक्टेंट के साइड में लेंगे, उतना ही एटम हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट के साइड में भी रहना चाहिए. यानी कि दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल Fe है, ठीक है. और यहाँ पे Fe कितना है, तो Fe के तीन एटम है, तो हम लोगों ने आगे में तीन लगाया, Fe तीन है. और उसका फिजिकल स्टेट भी मैंशन किया, यानी कि वो सॉलिड स्टेट में है. और H2O, तो H2O क्या है, ये जी नहीं, यहाँ पे एल होगा, लिक्विड स्टेट में है, है ना. तो H2O भी क्या है, फोर है, फोर H2O, यानी कि फोर एटम्स है, ठीक है. अब प्रोडक्ट क्या देगा, Fe3O4. तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे Fe का क्या था, तीन एटम था, तो रिएक्टेंट के साइड में तीन एटम है, और प्रोडक्ट के साइड में भी अगर हम लोग देखें तो Fe के तीन एटम है, है ना, Fe3 है. तो Fe के भी क्या है, तीन एटम, यानी कि Fe इधर और इधर क्या हो गया, बैलेंस हो गया. अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, H, यानी हाइड्रोजन. तो हम लोग क्या करेंगे, H2O को पूरा नहीं देखते हैं, एक एक एलिमेंट्स देखते हैं. तो H क्या है, H कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाता है, 8. तो यहाँ पे कितना एटम है, 8 एटम है. अब हम लोग यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे देखिए H का कितना एटम है, 4, 2, 8, यहाँ भी सेम एटम है. तो H भी क्या हो गया हमारा, बैलेंस हो गया. अब O की बारी, तो O कितना है, 4. तो यहाँ पे O रिएक्टेंट साइड में कितना है, 4, और प्रोडक्ट बना तो भी यहाँ पे क्या है, 4 है.
यानी कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एटम्स क्या हैं, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है वो क्या है, इक्वल नंबर में प्रेजेंट है। तो जब भी एटम्स इक्वल नंबर में प्रेजेंट हो दोनों साइड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बैलेंस्ड इक्वेशन डिस्कस कर लिया कि इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कब कहेंगे, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के एटम्स क्या हों, इक्वल हों, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड कब होगा, तो बिल्कुल ही बैलेंस का अपोजिट, यानी कि जब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के एटम क्या हों, इक्वल ना हों, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है H2O, तो H2O में रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, दो हाइड्रोजन के एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या है, दो है, यानी कि हाइड्रोजन के एटम क्या है, बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम क्या है, एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया है, दो हो गया है, O2 बन गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, है ना। लेकिन इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, तो वो हम लोग थोड़ा देर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर अभी बता दिया जाए तो O2 क्या है, यहाँ पे O कितना है, दो है, और यहाँ पे एक ही है। तो अगर हम यहाँ पे दो लगा देंगे तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे दो, यानी कि O क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन एक दिक्कत आ जाएगा, अगर हम आगे दो लगा देंगे तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे दो ही है। तो अब इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, H के भी आगे क्या लगा देंगे, दो लगा देंगे, है ना। तो इसको हम लोग डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, तो अभी बस ऐसे ही मैंने बता दिया थोड़ा बहुत, है ना। अब है कि व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का ज़रूरत ही क्या है, क्यों हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करें। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का मतलब कारण क्या है, तो कारण है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। विथ स्टेट दैट इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि केमिकल रिएक्शन में ना तो कुछ नया बनेगा, ना तो कुछ क्या होगा, घटेगा, ठीक है, ना तो कुछ बढ़ेगा ना तो कुछ घटेगा। यानी कि जितना एटम रिएक्टेंट्स में रहेगा उतना ही एटम क्या आएगा, वापस प्रोडक्ट में भी आएगा, ठीक है। ये है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो इसको फॉलो करता है केमिकल रिएक्शन, इसलिए हम लोग केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, कि जहाँ पे जितना एटम रहे उतना ही एटम क्या रहे, हमारा प्रोडक्ट में भी रहे, है ना। जितना एटम हम लेंगे उतना ही हमें रिजल्ट में भी मिलेगा, इसलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना तो हम सीख गए, या बाकी जो भी है वो हम लोग थोड़ा आगे सीखेंगे, लेकिन पहले हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो अभी आप लोग को मेनली 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अब आगे की वीडियो में हम लोग डिटेल में सारे रिएक्शंस को पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।